हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बिहारी काइट्स। और भाई साहब, टेस्ट के लिए आज खड़े हैं अभी हम लोग इस समय हाईवे पे। हाईवे को देखकर लग रहा होगा कि भाई क्या कंटेंट लेकर आ गए, पता नहीं क्या है कंटेंट, पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन भाई साहब, एक बात जान लो कि जो कंटेंट है ना, कुछ खास होने वाला है। और चूंकि हाईवे जो है ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टेस्ट से जोड़ने का काम करता है, तो बस इसके लोकेशन के लिए हमारे साथ बने रहें और उसके बाद बताते हैं क्या खास है। भाई, टेस्ट का जो कल्चर होता है दिलों के रास्ते से होता है, और दिल का जो शुरुआत होता है भैया टेस्ट के टेस्टपुर वाले इलाके से होता है। जी हाँ भाई साहब, चलिए लोकेशन जो है ना, लोकेशन एकदम बाईपास के नज़दीक है। भाई साहब, चलिए जानते हैं यहाँ के ओनर से इस लोकेशन के बारे में और क्या खास है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम जुनैद साबरी। जुनैद साबरी जी, तो मेरे ख्याल से जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब बिरयानी का सेटअप आपके यहाँ है ना। और लोकेशन क्या है पहले, ये लोकेशन है मेरा बाईपास रोड 0 माइल अकबर नगर के सामने NRL पेट्रोल पंप सावित्री मार्केट। अच्छा, ये NRL पेट्रोल पंप आपके रोड के अपोजिट साइड हो गया। आप देख सकते हैं गाइस, सामने में NRL पेट्रोल है, सॉरी पेट्रोल पंप है। एक्चुअली यहाँ पर मैं जब खड़ा था तो मुझे वो इलाका एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नहीं देखा, लेकिन सामने में NRL पेट्रोल पंप है। उसके जस्ट सामने में जब आइएगा तो ये जो है साबरी मुरादाबाद चिकन बिरयानी का एकदम काट है, एकदम बाहर में एकदम दुकान का सेटअप है, लोगों की भीड़ है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं। और जो एम्बियंस है ना भाई साहब, वो काफ़ी बढ़िया है। और देखिए कितना देसी स्टाइल से यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और बहुत बढ़िया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास में? चिकन बिरयानी मुरादाबादी, हैदराबादी तवा चिकन, चिकन फ्राई है, रुमाली रोटी है एंड तवा चिकन है। और इसका टाइमिंग क्या रखते हैं आप दुकान का? इवनिंग में 9 मॉर्निंग में रहता 9 PM ओपन एंड शाम में 11 बजे तक लास्ट 11 बजे। आप देख सकते हैं ये क्या तैयार कर रहे हैं, रुमाली रोटी। बहुत बढ़िया रुमाली रोटी, बहुत लोग तो मेरे ख्याल से रुमाली रोटी तैयार ही नहीं कर पाते हैं। पटना में तो बहुत लोगों के हम देखते हैं कि बहुत रुमाली रोटी के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से रुमाली रोटी जो है एकदम जो है ये नवाबों का मतलब डिश जो है वो तैयार हो रहा है। और क्या क्या है आपके यहाँ आइटम बेसिकली अगर देखें तो? हमारे पास में चिकन फ्राई है, ठीक है, चिकन बिरयानी मुरादाबादी एंड हैदराबादी, तवा चिकन, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी भी हमारे पास में। अच्छा, तंदूरी रोटी भी है। और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है आपके यहाँ? सबसे ज़्यादा डिमांड फुल जो आइटम हमारे पास में सिर्फ मुरादाबादी बिरयानी एंड तवा चिकन, बाकी तो सभी डिमांड पूरे, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है सबसे मुरादाबादी बिरयानी। और जैसा कि आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अलग अलग कार्ट पर विजिट करता हूँ तो लोग हैदराबादी से ज़्यादा डिमांड मुरादाबादी का करने लगे। मुरादाबादी है वो सिंपल हो गया एकदम, वो टेस्टफुल हो गया। क्या मुरादाबादी में थोड़ा हाई क्वालिटी मसाला रहता है हैदराबादी के अंदर, जिसे ज़्यादातर लोग लाइक नहीं करते, लेकिन मुरादाबादी का क्रेज़ आज के टाइम में इंडिया के टॉप बन रहा है। सही बात है। और उसमें जो मसाला भी होता है लाइट होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं होता। नहीं, हैवी नहीं होता, नॉर्मल रहता है। नॉर्मल होता है। और काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम देखिए भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, कस्टमर की जो भीड़ है ना भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसमें क्या रखा हुआ है? हैदराबादी है, आप देख सकते हैं गाइस, हैदराबादी बिरयानी। और काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे इसका देखने में एम्बियंस है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। और इसमें जो है ये है मुरादाबादी भी काफ़ी बढ़िया। मेरे ख्याल से सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है अब आपके यहाँ। बस इस टाइम क्या होता है, लोग हर 10 मिनट में ताज़ी खाना बनाते हैं ना, हर 10 मिनट के अंदर ताज़ी बिरयानी। पर डे कितना सेल कर लेते हैं? पर डे एक क्विंटल 10 किलो बिरयानी हम लोग एक है ना। और रिस्पांस कैसा है यहाँ पे कस्टमर का? बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है, सभी का बहुत बढ़िया। और आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, भीड़ जो है वो हाले बया जो है अंदाज कर रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर टेस्ट कस्टमर से जानेंगे कैसा है टेस्ट। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो खा रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आइएगा तो देखिए इनका सेटअप है, ये किचन वाला इलाका है। हम लोग बिरयानी को बनाते हुए किसी और भी दिन दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट शूट कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ पर पूरा बिरयानी तैयार होता है इनका, और यहाँ से बिरयानी तैयार होकर ये यहाँ पे पूरे तरह से सस्ता है। और देखिए मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ बिरयानी जो है ये आ चुका है और काफ़ी बढ़िया, मेरे ख्याल से एक बिरयानी आ चुका है अभी। ये ग्रेवी आया। अच्छा, ये ग्रेवी है, ये ग्रेवी किस चीज़ के लिए है? बिरयानी के लिए अलग से ग्रेवी देते हैं? ग्रेवी अलग से देते हैं। ये तो बहुत यूनिक है, कोई चार्ज नहीं है बिरयानी के साथ में। ये तो बहुत यूनिक है, पटना में तो ऐसा कहीं नहीं है। पटना में तो लोग मतलब अलग से बोलते हैं कि रोगन वगैरह लेना है तो अलग से लेना है, इसका बिरयानी के साथ में ये चीज़ है। मतलब ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये मुझे लगता है कि पटना में अभी तक जहाँ मेरा टूर रहा है, एक आपका एक यूनिक कार्ट ऐसा है जहाँ पर है, यूनिक शॉप ऐसा है जहाँ पर आप लोग ग्रेवी दे रहे हैं। ग्रेवी हमारे पास बिल्कुल मुफ्त रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता। और ऑडियंस भी यहाँ पर है, क्या
क्या लेने आए हैं यहाँ पे? ये हम चिकन फ्राई और चिकन मिर्ची लेने आए। चिकन फ्राई मतलब हमेशा आते हैं जी? आते रहते हैं हम तो, इधर ही बाहर से आए ना, ये रहते हैं होटल में, इजी ले आते खाना। कैसा लगता है टेस्ट? बढ़िया टेस्ट देता है, बेहतरीन एकदम। बहुत बेहतरीन टेस्ट, क्या बात है। मतलब कस्टमर रिव्यू भी देखिए काफ़ी बढ़िया है, और अंदर का भी जो टूर है हम लोग करवाने वाले हैं, लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लोग खा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर खा रहे हैं, और उनका टेस्ट लेकर यहाँ पे हम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से क्या खा रहे हैं आप? चंगेजी और रोटी। चंगेजी रोटी, कैसा लग रहा है टेस्ट? फर्स्ट टाइम खा रहा हूं, तो टेस्ट नहीं। मतलब अच्छा, तो अभी टेस्ट किए हैं कि नहीं किए? तो टेस्ट कर लीजिए, और हम लोग हमारे ऑडियंस को बताइए आप जल्दी से कैसा लग रहा है। आप तो खाली रोटी खा रहे हैं, इसके साथ ट्राई करके बताइए ऑडियंस को कैसा लग रहा है टेस्ट। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और इधर क्या चल रहा है? इधर आपका मुरादाबादी बिरयानी है, कैसा है टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। पाँच में कितना दिया जाए इनको? पाँच में कितना नंबर दिया जाए? पाँच में पाँच दिया जाए, है ना? आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। और इधर भी यहाँ मेरे ख्याल से क्या खा रहे हैं आप लोग? चंगेजी। ठीक है, कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया बढ़िया है। हमेशा आते हैं, मतलब आउट ऑफ फाइव इनको फाइव दिया जाए? सिक्स दिया जाए, क्या बात है। आप देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड है, और बढ़िया तरीके से मतलब लेग का जो है वो आनंद उठाया जा रहा है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सेटअप है भाई साहब। और चलिए हम लोग चलते हैं बाहर के आउटडोर एरिया में, और ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये पूरा जो है तवा चिकन है। इसका रोगन जो है, रोगन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये रोगन मेरे ख्याल से क्या, अगर कम जाता है तो ऊपर से फिर डालते हैं क्या? नहीं, 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 हम लोग बटर से ज़्यादा रहता है, तो बटर पकने के बाद में इसको ऊपर में आ जाता है, इसके ऊपर में आ जाता है कि बहुत बढ़िया एकदम सेटअप है भाई साहब। देखिए, और भीड़ जो है भाई साहब, देखिए भीड़ अल्टीमेट है भाई साहब, काफ़ी बढ़िया भीड़ भाई साहब बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा कार्ट है, बहुत अच्छा शॉप है, काफ़ी बढ़िया। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है ना, कि आपको यहाँ पर मुरादाबादी के साथ इसका ग्रेवी दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक जहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। काफ़ी बढ़िया है। आप लोग भी जब जाते हैं, चूँकि हाईवे है तो हाईवे का तो भाई कनेक्शन दिल से है, तो जब भी आते हैं जाते हैं तो एक बार ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं, टेस्ट का लुत्फ़ उठाएं, और बस जुड़े रहे हमारे साथ और ढेर सारा प्यार देते रहे भाई साहब। और चलिए हम लोग भी टेस्ट करते हैं, और आप लोगों से जिसका जायका होता है भाई साहब वो शेयर करते हैं। बस बने रहे हमारे साथ भाई साहब। एक बार देखिए, एक बार लोगों को देखिए भाई साहब, मतलब टेस्ट होना चाहिए भाई, और क्या। और टेस्ट के लिए कुछ भी करेगा ये बिहारी गाइड्स। लेकिन भाई साहब एक बात मैं बताता हूँ, हर जगह का कुछ एक यूनिक जो होता है ना, यूएसपी होता है, और यहाँ का यूएसपी क्या है पता है? बिरयानी के साथ यहाँ पर ग्रेवी मिल रहा है भाई, और लोग जो है मतलब पाँच में छः नंबर दे रहे हैं भाई साहब। सोचो इस हद तक दीवानगी है यहाँ पर। और भाई हाईवे है, हाईवे वही हाईवे जिसका कनेक्शन दिल के रास्ते से होता है भाई साहब, और दिल के रास्तों से होते हुए भाई टेस्ट भी जाता है, तो बस प्यार देते रहे हमारे साथ। और चलिए रिव्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भाई। और भाई साहब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टेस्ट का, और टेस्ट आप लोगों के लिए शेयर करें, और बस बने रहें हमारे साथ। और भाई साहब एक बात मैं बता रहा हूँ, कि आप लोग जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं कमेंट करिए पहले तो वीडियो कैसा लगा, उसके बाद अपना टेस्ट जो है आकर करिए, और बताइए कि भाई मेरा रिव्यू जो है, या जो कस्टमर बोल रहे हैं क्या उनका रिव्यू सही है या नहीं है। और आपके एरिया में कुछ अगर स्पेशल है तो मुझे कमेंट करिए, और उसका लोकेशन बताइए, मैं आपके एरिया तक पहुंचूंगा भाई साहब। और आपके एरिया का टेस्ट जो है ना, वो पूरे दुनिया के सामने आना चाहिए ना, तो बस प्यार देते रहो ना भाई साहब। अब मजा लीजिए गुरु एकदम चाप के। और ये देखिए मुरादाबादी बिरयानी एकदम गर्म गर्म आया है, और बहुत बढ़िया भाई गजब स्मेल जो है ना भाई साहब, वो मुझे फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा। मतलब कोहरा जो है, कोहरा नहीं है भाई साहब ये इसका एसेंस है भाई साहब, ये इसका मतलब जो बोलते हैं ना बिरयानी का टशन, एम्बियंस काफ़ी बढ़िया, कितना बढ़िया है आप देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस आइए और हम लोग भी चलते हैं, ट्राई करते हैं और बताते हैं। और फाइनली इंतज़ार का घड़ी हुआ ख़त्म, और हमारे पास है मुरादाबादी बिरयानी, जो आप लोगों का भी फेवरेट है, देखना है। अरे भाई साहब देखना है, तो चलिए देखते हैं ना। ये देखिए भाई साहब मुरादाबादी बिरयानी, और इसके साथ यहाँ पे दिया गया है ये ग्रेवी, काफ़ी बढ़िया रोगन जो होता है ना भाई साहब, मतलब ज़बरदस्त अल्टीमेट है। और अगर बात करें टेस्ट के बारे में, तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी गर्म है भाई साहब, देखिए कितना गर्म है, और प्याज भी दिया गया, काफ़ी बढ़िया है। और हैदराबादी से ज़्यादा ट्रेंडिंग जहाँ आज के डेट में ये मुरादाबादी हो गया है, काफ़ी बढ़िया हम लोग टेस्ट करते हैं भाई साहब, एकदम अल्टीमेट है। पीस के बारे में अगर हम बात करें, इसके पीस के बारे में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत गर्म है, काफ़ी सॉफ्ट देखने में लग रहा है। और भाई साहब जो इसेंस है ना, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है। ये इसका रोगन है, हम लोग थोड़ा सा इसमें रोगन भी डालते हैं,
और रोगन डाल के हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं कि बेसिकली ये कैसा है। तो बस बने रहे हमारे साथ भाई साहब, अल्टीमेट टेस्ट है ये। टेस्ट जो है ना एकदम अलग लेवल का टेस्ट है भाई साहब। एक बार आइए और बिरयानी खाइए, यहाँ पे बहुत प्यार दीजिए। हम लोग नए जगह पे एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, लेकिन भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं तो इस बिरयानी के प्यार में खो गया हूँ। बस बने रहें और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब मजा लीजिए गुरु एकदम चाप के।